दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर कुल्लू इन एसोसिएशन विद नालंदा फॉर नीट एंड जेईई। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुखू ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की है, जिससे कर्मचारियों का सम्मान और सुरक्षा उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करना प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए कठोर निर्णय की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पेंशन बहाली के लिए धन्यवाद करने हेतु प्रदेश स्तर पर कर्मचारी थैंक्स फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे तथा अपनी पेंशन को बचाए रखने के लिए सेव ओपीएस अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। ये जो उग्र आंदोलन की आप चेतावनी दे रहे हैं, क्या रीजन है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है प्रदेश सरकार ने पेंशन बहाल की है और पेंशन बहाली के बाद जो है केंद्र सरकार के पास हमारा 9000 करोड़ बचता है और बड़ा खेद का विषय। हमने लगातार केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे, केंद्र सरकार माननीय सांसदों के माध्यम से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखे हैं, लेकिन खेद का विषय ये है कि अभी तक जो है इस 9000 करोड़ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो है उदासीनता ही देखने को मिली है। अगर जल्द से जल्द इस 9000 करोड़ को वापस नहीं किया जाता तो एक बड़ा आंदोलन जो है प्रदेश में और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो पेंशन बहाली के लिए हो रहा है वो जो है गति पकड़ने वाला है, क्योंकि ये पैसा कर्मचारियों का पैसा है और प्रदेश सरकार का पैसा है। कर्मचारियों का पैसा अगर वापस आता है तो कर्मचारियों के जो है परिवार के लिए, अपना कर्मचारी जो है अपने परिवार के लिए उसको पैसे को खर्च कर सकता है, और प्रदेश का जो पैसा है उस पैसे को प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार खर्च सकती है, जिससे आम जो हमारी प्रदेश की जनता है उसको इस पैसे का लाभ मिल सकता है। और इसके साथ साथ आज हम एक थैंक्स फॉर ओपीएस और सेव ओपीएस अभियान प्रदेश में चला रहे हैं। थैंक्स फॉर ओपीएस इसलिए कि प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन बहाल की है। प्रदेश सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम धन्यवाद करते हैं, उनके तमाम सहयोगियों का हम धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से हमारे बिजली बोर्ड के साथी और अन्य साथी कुछ रहे हैं, उनके लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी ओर से भी लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि उनके विषय को भी सरकार के समक्ष रखें। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि उनके विषय को हमने सरकार के समक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है और प्रदेश सरकार भी बिल्कुल पॉजिटिव इस विषय को लेकर है और हमें विश्वास है कि इनकी अधिसूचना भी बड़ी जल्दी होगी। लेकिन 1,36,000 साथियों को जिस तरह से पेंशन, पुरानी पेंशन जो है हिमाचल सरकार ने दी है, इसके लिए प्रदेश सरकार का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट। Together, we know so much more. Oh, together we care that everyone has the things that we need each day. Together we protect, show up, and share to make a better way. Together, we help one another. Together, we're stronger than. क्या आप भी ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम करना चाहती हैं? आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप लेकर आ रहा है मिस हिमाचल सीजन 14, अ न्यू क्वीन विल बी बोर्न। 19 फरवरी 2024 से 2 मार्च तक प्रदेश भर में ऑडिशन, विजेता को रिनॉल्ट क्विड कार जीतने का मौका। ऑडिशन की अधिक जानकारी के लिए आज ही पढ़ें दिव्य हिमाचल या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मिस हिमाचल ऑफिशियल या फेसबुक पे मिस हिमाचल पेज को लाइक करें। मिस हिमाचल 2024 ब्रॉट यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, को पावर्ड बाय रिनॉल्ट इंडिया, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क एक्सोटिका जीरकपुर इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रेडियो पार्टनर बिग एफएम